समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी में एक समय मुलायम सिंह थे, आज अखिलेश यादव हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें थीं, क्या चीज़ें नहीं हैं? मैं उसके बारे में यही कहूँगा, जो लोहिया जी की जो पहले जो मंशा थी इस देश के लिए, वही मंशा आज अखिलेश जी की है। और जो गरीब और मजदूर और जो वर्कर जो उनकी आवाज़ लोहिया जी उठाते थे, वही आवाज़ अखिलेश जी उठा रहे हैं। तो ये देश के लिए मतलब संदेश भी दे रहे हैं। आज लोहिया जी बहुत पहले बोलते थे कि 160 जो लोग हैं वो इस देश के वर्कर हैं, और वो ही अखिलेश जी आज हमें मतगणना की जो बात है आज इस देश के अंदर कह रहे हैं, तो वो उनकी वही लोहिया जी का ही एक मतलब है नहीं, एक एजेंडा को है नहीं प्रवाहित कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब नेताजी थे तब उनसे क्या बोलते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, योगी आदित्यनाथ भी, सब लोग मिलने आते थे, पर आज कहीं ना कहीं सदन में दोनों आपस में सबसे बड़ी बात ये है, जो नेताजी थे वो क्या है, ज़मीन से खड़े हुए थे, उन्हें राजनीति का आम आदमी की पकड़ बहुत ही मजबूत थी नेताजी की, मुलायम सिंह नेताजी की में नहीं है। और अखिलेश नेताजी की वो पकड़ तो वो मजबूत कर रहे, लेकिन वो जो जितना उनका अंदर तजर्बा था उतना तजर्बे की अभी कमी है, और उसके आगे बढ़ रहे हैं, उन तजर्बों को वो थोड़ा सा लीडअप तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने उसमें क्या है? अखिलेश जी यादव जी को आज पूरे देश के अंदर, आज जो ओबीसी जनगणना पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी कराने के लिए तैयार नहीं है, और उस बात को पूरे देश के अंदर जनगणना को लेकर के, जैसे बिहार के अंदर जनगणना शुरू हो गई, और भी कई एक प्रांत हैं जो ओबीसी, जैसे छत्तीसगढ़ में भी लोग, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तो वो भी मतलब जनगणना करा रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है जनगणना नहीं करा रही है। ये देश के अंदर, पूरे देश का देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, उस देश के मुद्दा हमारे अखिलेश जी को आगे चल के बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा, और उससे सपोर्ट भी मिलेगी, और पार्टी आज 2023 में ही राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है।